नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। अब जल्द ही जो 10वीं और 12वीं है उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में CBSE ने एक नया फॉर्मूला जो है वो निकाला था, जिसके तहत जो है जो परीक्षाएँ हैं बोर्ड की या फिर कैसी भी परीक्षाएँ जो है वो अब दो भागों में होंगी, जिनका नाम जो है CBSE द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 दिया गया था। स्कूल में होने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि वो स्कूल में होंगी। कई बच्चे जो परेशान होते हैं वहाँ पर जानने वाले जो टीचर्स होंगे जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन 10वीं और 12वीं के क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए परेशानियाँ बेहद बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहली बार जो है टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और बच्चों की जो परेशानियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के चलते फिलहाल आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एजुकेशन एक्सपर्ट के भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गुरुग्राम प्लस चैनल में। हम सबसे पहले आज जानना चाहेंगे कि जनता जो है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे एक स्ट्रेस के मूड में वैसे ही हैं, लगभग एक पढ़ाई से नाता टूट गया था, अनएजुकेटेड जैसे हो गए थे, लेकिन सडनली दो बार ऐसा भी हुआ कि एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल हो गए, लेकिन अब दो सालों के बाद जो है शायद बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है। पिछली बार की पुरानी बात नहीं है कि रिज़ल्ट ही अगस्त और सेप्टेम्बर में आया था कि सभी बच्चों को पास कर दिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद CBSE द्वारा एक नियम बनाया गया, फॉर्मूला बनाया गया कि एग्ज़ाम्स दो भागों में होंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को ही जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को देखने वाले बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, परेशानियां उनको हैं, सबसे पहले इन टर्म 1 और टर्म 2 के बारे में जानना चाहूँगी। नमस्कार जी, इस बार CBSE ने ये जो नया पैटर्न लागू किया है टर्म 1 टर्म 2, बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत अच्छा लागू किया है। इससे CBSE ये चाहती है कि बच्चों में थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करें। पिछले 1.5 ईयर्स से, लगभग 1.5 साल से बच्चे पढ़ाई के लगभग अनटच हो रहे थे। काफ़ी ऐसे हैं दूरदराज एरिया में जहां बच्चे ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पाते थे, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। अभी कुछ टाइम बींग के साथ में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई है तो उससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। उस बेनिफिट को देखते हुए CBSE ने भी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी पहल करी है कि वो टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम करा रहे हैं। टर्म 1 एग्ज़ाम के अंदर यदि बच्चा ये चाहे, ये सोचे कि वह सब कुछ बहुत इजी होगा, सब इजी होगा, ऐसा नहीं है। यदि बच्चे में फुल नॉलेज है, काफ़ी एनर्जी से उसने पढ़ाई करी है, थ्रू आउट नॉलेज लिया है, डेप्थनेस तक अगर पहुँचा है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। यदि वो ये सोचे कि मुझे डर लगता है, बहुत डर रहा हूँ, कैसे करूँगा, हेजिटेशंस हो रहा है, पैनिक हो रहा है बच्चा, ऐसा भी नहीं है। CBSE ने बहुत अच्छा डिसीजन लेके, सोच समझ के ये किया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके पास आउट हो जाए, जिसमें टर्म 1 में उन्होंने GK का भी डाला है, रीजनिंग भी डाला है, अपनी तरफ से सभी प्रोस्पेक्टस को बहुत अच्छे से रेडी किया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ शिवानी जी, बच्चों को घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा टर्म 1 का। ये है कि इस बार कुछ स्कूलों में सेल्फ एग्जामिनेशन सेंटर भी बने हैं, कुछ स्कूलों के सेंटर दूसरे जगह भी बने हैं, तो उसमें बच्चों को घबराने की, नीड नॉट टू वरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब अच्छा ही होना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ड्यू टू कोविड, गवर्नमेंट ने, CBSE ने ये डिसीजन लिया है। अगर मान लो कोविड की अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड अभी इंडिया से गया नहीं है, काफ़ी सारी जो है ना प्रोस्पेक्टस को देखते हुए प्रिकॉशंस भी लेनी है। उस प्रिकॉशन के तहत यदि बच्चा अच्छे से नॉलेज ले लें, अच्छा एग्ज़ाम कर दें, अच्छे मार्क्स ले लें, उसके लिए ये फैसिलिटी दी गई है कि टर्म 1 एग्ज़ाम करा के फर्स्ट टाइम CBSE ऐसा करने जा रही है। बट सर, एक जो बच्चों के बीच में डाउट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे टर्म 1 है तो बच्चों में डाउट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो सपोज़ कीजिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आया। अब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आया लेकिन परेशानियां ये हैं कि उस 2 से 3 घंटे का जो समय है उसी के अंदर उनको वो सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं,
और जब चार ऑप्शन होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है, क्योंकि पहले ही जो 2 साल का समय है वो काफ़ी लंबा समय हो गया, बच्चों ने जो अभी फ़िलहाल 12वीं में पहुंचे हैं उन्होंने 10वीं का और 11वीं का रिज़ल्ट नहीं पाया, जो 10वीं में पहुंचे हैं उन्होंने 8वीं और 9वीं का रिज़ल्ट नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं 2 साल एग्ज़ाम ना देने के बाद, और जो बचपन से आदत बनी हुई है लिखने की, सब्जेक्टिव टाइप से एग्ज़ाम देने की, वो कहीं छूट गई है, और उसके साथ जो पुराना है वो तो भूल ही गए, और साथ में जो नया जो सामने एक पैटर्न ला के रख दिया है उसमें जो बच्चों को परेशानियाँ होंगी उसके बारे में बात करें। शिवानी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बच्चे को परेशानी तो है, नया पैटर्न है, सभी लोग उससे अनआइडेंटिफाई है, अगर गाइड करने वाले भी हैं तो कम लोग हैं, फिर भी बच्चों को स्कूलों में OMR सिस्टम से काफ़ी अच्छा अवगत कराया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि भाई OMR सिस्टम जो प्रणाली आपको भरना है जिसमें रिप्लाई करना है आप ऐसे करें। MCQ में आप ठीक कह रहे हो कि भाई MCQ में ये प्रॉब्लम तो आ रही है कि स्पेशली इन मैथमेटिक्स अकाउंट्स टाइम बहुत कम है, उसी को सारा सॉल्व आउट करके 1 नंबर मार्क्स के लिए और उसको रिप्लाई देना है, आंसर सॉल्व करने के लिए, आंसर पे पहुंचने के लिए काफ़ी जो है ना वर्क करना पड़ेगा, फिर एक क्वेश्चन पे वो रिप्लाई करेंगे, ये बच्चों को प्रॉब्लम तो आ रही है। फिर भी स्कूल्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सब मिल के अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, टाइम है उनके पास, स्टिल टाइम इज़ देयर, अच्छे से काम कर रहे हैं तो जहाँ तक हम समझते हैं, स्कूल वाले समझते हैं, गवर्नमेंट CBSE समझती है, अच्छा रिजल्ट आएगा, टर्म वर्क का अच्छा रिजल्ट आएगा इन प्लेस ऑफ लास्ट ईयर। सर जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल के मुताबिक या पिछले सालों के मुताबिक अब की बार का जो रिज़ल्ट है वो बेहद अच्छा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल के बाद जो बच्चे हैं वो परीक्षा के मैदान में उतर रहे हैं, 2 साल में वो परीक्षा देना तो भूल ही गए थे शायद, उन्होंने कहीं ना कहीं, कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने ये ठान ही लिया था कि शायद अब की बार एग्ज़ाम जो है वो ना हो, लेकिन सरकार ने एक नया फैसला निकाला जिसके तहत टर्म 1 और टर्म 2 बनाए गए, बच्चों को ये समझाया गया कि अगर एक बार में जो है एग्ज़ाम टर्म 1 के नहीं होते हैं तो टर्म 2 में ज़रूर होंगे, और अगर टर्म 2 में नहीं होते तो टर्म 1 के एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं तो उसके हिसाब से आपका जो है बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो तय होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये आती है सर कि कई बच्चे जो है वो टर्म 1 में जो है अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे लेकिन वो टर्म 2 में अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है वो तरीका है जो वो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक थोड़ी परेशानी जो है सामने आ सकती है। देखिए स्टार्टिंग में कुछ परसेंट बच्चों के साथ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो सिस्टम है जो इस बार लागू टर्म 1 में कर रहे हैं ये सारा वो सिस्टम है जो फ्यूचर में आता है, प्लस टू के बाद चाहे कोई NDA के एग्ज़ाम दो, ग्रेजुएशन के बाद कोई चाहे UPSC के एग्ज़ाम दो, किसी भी तरह का कोई भी एक्सट्रीम पोस्ट पे पहुंचने के लिए अगर एग्ज़ाम है सब का यही पैटर्न है, और उस पैटर्न से अगर अभी बच्चों को अवगत कराया जाए, उसकी नॉलेज दी जाए फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, 11th 12th ऑनवर्ड्स, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है, फ्यूचर के अंदर ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो आप हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि जो ये टर्म 1 और टर्म 2 बनाया गया है वो सही है, और एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो शायद अब बेहतर हो पाएगा, जो बच्चे पढ़ाई भूल गए थे, 2 सालों में एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, परीक्षा के मैदान में भी नहीं उतरे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है ये बेनिफिशियरी साबित होगा। डेफिनेटली बेनिफिशियरी साबित होगा, ये बात है कि 100% मार्क्स जो लास्ट ईयर की तरह पहले आते थे वो तो बहुत कम आएंगे, बट 95 से 98 के बीच में बच्चे बहुत मार्क्स लेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और बच्चों में नॉलेज भी आएगी। पिछली बार लोग मजाक में ये भी कह देते थे कि भाई आप पास आउट हुए हो कौन सा सेशन, कहेंगे जी 2019, ओहो 2020, ओहो ये तो भाई कोरोना का सेशन है, इसका मतलब बच्चों में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ड्यूरिंग कोरोना में भी अगर टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बच्चों में नॉलेज नहीं है, उनमें बिल्कुल डेप्थनेस तक नॉलेज होगी, वास्ट नॉलेज होगी। बिल्कुल सर, अगर अब आगे चल के जैसे आपने कहा कि अगर पूछा जाएगा कि 2019 और 2020 में अगर आपने परीक्षा दी है
तो ओहो कैसे दी होगी, नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जब 2021 की परीक्षा की बात करी जाएगी और कौन से सेशन में पढ़ाई की है 2021 के बारे में बात की जाएगी, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी खास होगा, क्योंकि एक साल बेहद परेशान होने के बाद, दो साल ना पढ़ाई करने के बावजूद अगर 2021 में अच्छा रिजल्ट जो है वो बच्चों का देखने को मिलता है, तो वो सभी के लिए जो है उत्साहवर्धित होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ के भारद्वाज, एजुकेशन एक्सपर्ट। सर, हमारी जनता को टर्म वन और टर्म टू का जो ये CBSE ने जो फॉर्मूला निकाला है, इसको बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो फिलहाल थोड़े असमंजस में थे और ये जानना चाहते थे कि टर्म वन का जो वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ समय ही रह गया है, डेट शीट आ गई है, जो है 1 दिसंबर से जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो थोड़े पैनिक हो रहे थे, थोड़े नर्वस हो रहे थे। मैथ्स के बाद बच्चों की बात करूँ, अकाउंट्स के बच्चों की बात करूँ, इंग्लिश के बच्चों की बात, हर सब्जेक्ट का जो है एक अलग जो है डर वो है बच्चों में देखने को मिल रहा था। लेकिन जो गुरुग्राम प्लस है उसने कोशिश की है कि बच्चों के अंदर से उस डर को निकाला जाए और बच्चों को ये समझाया जाए कि ये जो टर्म वन और टर्म टू का फॉर्मूला बनाया गया है, ये आपके ही बेनिफिट के लिए बनाया गया है। और कहीं ना कहीं सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि क्योंकि बच्चों के एक समय आ गया था कि हर बच्चे के जो 100 में से 98 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाता था, तो एक जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अब उसकी वजह से जो नॉलेज है वो भी बच्चों की बढ़ेगी और जो मार्क्स हैं, बच्चा कितना समझदार है, किस तरीके से वो पेपर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर रहा है, वो भी समझने में जो है बच्चों को आसानी होगी। और साथ ही गुरुग्राम प्लस से जो आपको कोशिश की है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बेहद अच्छी तरीके से हो सके, आप परेशान ना हो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, तो वहाँ पे पैनिक ना हो, आप जब उन क्वेश्चंस को देखें तो ये ना सोचें कि मुझे दो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके 2 घंटे के अंदर ये 100 नंबर का जो है पेपर करना है, तो ये पैनिक जो है आप बिल्कुल भी ना हो और ये डर जो है वो निकाल दें, क्योंकि जब CBSE ने ये एक पैटर्न निकाला है तो आपके हित के लिए ही निकाला है। आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल रिफ्रेश होकर एग्ज़ाम हॉल में जाएं और अपना एग्ज़ाम करें और इंतज़ार करें उस समय का जब आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा, क्योंकि आपने मेहनत की है तो फल आपको ज़रूर मीठा मिलेगा। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है, अगर आपका टर्म वन और टर्म टू को लेकर कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछें, आपको कैसा लगा टर्म वन और टर्म टू के बारे में जानकर, क्योंकि भारद्वाज जी हमारे साथ थे, एजुकेशन एक्सपर्ट, उनका भाव आपको कैसे लगा और उन्होंने किस तरीके से आपको समझाया वो भी हमें बताएं। अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो खबर है और ये जो जानकारी है, खबर नहीं कहूँगी, ये जो जानकारी है वो हर वासी तक पहुँच सके, और यहाँ जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम्स के लिए डरे हुए हैं और जिनके मन में भी टर्म वन और टर्म टू को लेकर थोड़ा डाउट है, उन तक ये खबर ज़रूर पहुँचाए, और हमारी खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।